अपाची हेलीकॉप्टर AH-64E एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो मशीन गन, रॉकेट और मिसाइल से लैस है। इस हेलीकॉप्टर के वायुसेना में शामिल होने से वायुसेना की शक्ति दुगनी हो गई है और 2020 तक ये सारे हेलीकॉप्टर वायुसेना में शामिल कर दिए जाएंगे। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो ये 280 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरता है, जो कि पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो जाता है। फिलहाल इस हेलीकॉप्टर के वायुसेना में शामिल होने से जहां वायुसेना को आधुनिक हेलीकॉप्टर मिला है, वहीं दुश्मन से लड़ने में ये अपना एक अहम योगदान देगा। ये प्लेटफॉर्म 1985 से फ्लाई कर रहा है, 18 कंट्री से ज़्यादा में कहते हैं करीब 2200 मशीन्स फ्लाई कर रही हैं और इतने सारे वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्लिक्ट जो आपने पढ़े होंगे उसमें इन्होंने इस मशीन ने पार्ट लिया है और वो बहुत सक्सेसफुली पार्ट लिया है। तो आज नंबर एक तो ये Mi-35 को रिप्लेस कर रहा है इस कॉन में, नंबर दो इसके सिस्टम्स और वेपन्स के साथ ये कैपेबिलिटी ऐड कर रहा है इंडियन एयरफोर्स में, सो दैट टुमारो अगर जरूरत पड़े वो कहीं भी जहाँ इस्तेमाल की जा सके। सर सीमाओं पर काफ़ी ऐसे ये बहुत ही सक्षम हेलीकॉप्टर है, उसमें कोई कष्ट नहीं। यूज़ कैसे करना है वो तो समय की बात है। किस तरह की क्षमता है इसमें, क्या क्या है जो ये आपको इसमें? एक तो बहुत ही मनोरेबल एयरक्राफ्ट है, पावर काफ़ी है इसकी। ऊपर से आपका अगर वेपन्स देखो, आपके पास 30 mm गन है, 70 mm रॉकेट्स हैं, स्टिंजर मिसाइल्स हैं, हेलफायर मिसाइल्स। साथ ही इसे कंट्रोल करना बेहद मुश्किल है, दो पायलट मिलकर इसे उड़ाते हैं। मुख्य पायलट पीछे बैठता है, उसकी सीट थोड़ी ऊंची होती है, वो हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करता है और आगे बैठा दूसरा पायलट निशाना लगाता है और फायर करता है। इसका निशाना बहुत सटीक है, जिसका सबसे बड़ा फायदा होता है और इससे युद्ध क्षेत्र में दुश्मन पर निशाना लगाते समय आम लोगों को नुकसान भी नहीं होता। पठानकोट से न्यूज के लिए सुखजिंद्र कुमार की रिपोर्ट।